हेलो एंड वेलकम करियर क्लैरिटी में, मैं हूं श्वेता और आपका स्वागत है। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम कुछ पेरेंट्स के ही सवाल नहीं ले रहे, बल्कि हम नीट से जुड़े सभी पेरेंट्स के कई सारे सवालों को हल करने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ सवाल जो हमारे पास आए हुए हैं। कई सारे ऐसे सवाल नीट से जुड़े हमारे पास आते हैं, जैसे नीट क्रैक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसके अलावा क्या ऑप्शन है, क्या PCB लेकर नीट ही देना जरूरी है, कुछ और दे सकता हूँ या नहीं, ड्रॉप कितने साल का करूं, कितने साल तक ड्रॉप कर करके एग्जाम दे सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे मेरे साथ मेरे दो साथी, दो बहुत ही उम्दा काउंसलर्स, रत्ना पंत जी और प्रीता अजीत जी भुज और केरला से जुड़े हैं। हम इनसे भी सवाल करेंगे और पूरी नीट की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। नीट में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब नीट के आप नीट के लिए तैयारी करने की ठान लेते हैं तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि 600 नंबर, 600 के आसपास लिए हैं या 550 के ऊपर लिए हैं तभी साल ड्रॉप करने की सोचें और तभी ये समझें कि आप ये क्रैक कर सकते हैं, वरना रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा कि 5.5 साल का लगभग MBBS होता है, फिर MD और फिर प्रैक्टिस, यानी इतने साल आपको देने पड़ेंगे। अमूमन एक डॉक्टर जो है वो लगभग 8 साल तक की कड़ी मेहनत के बाद ही प्रैक्टिस अच्छे से करना शुरू कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रत्ना जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, एक्चुअली यहाँ पर सब चर्चा में उनको लेकर आती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैम स्कूल ड्रॉप करने की बात करते हैं, कोचिंग करें कि स्कूल ड्रॉप करें, कितने साल तक कोचिंग करते रहें, इसके बारे में मैम बताइए। मेरे हिसाब से हमें स्कूल, चाहे वो इंटीग्रेटेड ही क्यों ना हो, कोचिंग के साथ हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, एक तो हमें पता रहता है बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उनके साथ में हम डिस्कस कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो मेरे हिसाब से स्कूल मत छोड़िए। अब ड्रॉप लेने की बात अगर आती है, नीट एडमिशन सारा खेल मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर आप 11th एंड 12th में जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके जितने भी मॉक्स हो रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट हो रहे हैं, सीरियसली लीजिए, पूरी मेहनत करके दीजिए। पर उसमें अगर आपके मार्क्स 350, 300, 350 तक ही आ रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तकरीबन उतने ही रह रहे हैं, फिर नीट में भी आपके उतने ही आए, तो मैं कहूंगी अपने प्लान बी पर वर्क करिए। ठीक है, उसको ज्वाइन करने की कोशिश करिए। पर अगर आपके मार्क्स 500, 550 तक आ जाते हैं तो आप एक साल का ड्रॉप लीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उनको बेहतर करिए, उन पे वर्क करिए। ठीक है, और पूरी मेहनत के साथ अपना नीट का एग्जाम दोबारा दे दीजिए। प्रीता मैम के पास चलते हैं। एक जरूरी चीज होती है नीट के लिए कि भैया पूरा प्रोसेस समझ लो कि एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है। तो प्रीता मैम, नीट में क्या इंडिया के अलावा भी नीट बाहर के देशों में चलता है कि नहीं चलता है, पूरा प्रोसेस क्या है, एग्जाम की फीस, टेंटेटिव कट ऑफ, सीटें कितनी है, अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। नीट खाली इंडिया में मेडिकल कोर्सेस, यहाँ स्पेसिफिकली MBBS करने के लिए मैंडेटरी वैलिड एंट्रेंस एग्जाम है। एग्जाम फी 1700 से लेके 1000 तक है, मतलब जनरल कैटेगरी से होते होते अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी में जब आता है तो 1700 से 1000 का फर्क है। अब आता है कट ऑफ का, हम जनरल मेरिट के कट ऑफ के हिसाब से मैं बात करूंगी आज। तो अगर हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गया, हम रिजर्वेशन में सिक्योर होके आ जाएंगे। मेरिट में अगर इस साल का देखें तो 640-650 तक कट ऑफ था। अगर हम पिछले साल के हिसाब से चले, 615 से ऊपर गवर्नमेंट सीट में कट ऑफ गया है। अभी 500 के नीचे वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है, पर प्राइवेट कॉलेज में 500 से नीचे वाले बच्चे, मतलब फीस उतना ज्यादा। अब हम फीस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सरकारी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में अगर पढ़ना है तो 10,000 से लेके 1,00,000 तक का थोड़ा सा वो एक अंतर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आते तो ये सीधे शुरू होते हैं मिनिमम 10 से 12 लाख, तो वहां से 22-24 लाख तक चलता है। बट एट एन एवरेज लेते हुए चले तो मिनिमम, ये खाली ट्यूशन फीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 80 लाख लग जाता है MBBS कोर्स खत्म करने में।
मैम नंबर नहीं आने पर कई बार लोग सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो विदेश में डॉक्टरी पढ़ा देते हैं भाई, यहाँ नंबर नहीं आए या कम नंबर आए हैं और कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा, तो कहाँ से करनी चाहिए? रत्ना मैम इस पर रोशनी डालिएगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये रास्ता सही है। श्वेता, फॉरेन में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए कंट्रीज को दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। कैटेगरी वन, जहाँ से आप मेडिसिन की पढ़ाई करके आई है और यहाँ पर तुरंत प्रैक्टिस करने लगी है, ठीक है, तो उसमें US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। पर वहाँ पर आपको 4 साल का पहले प्री मेड या अंडर ग्रेजुएट करना पड़ता है बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, और फिर उसके बाद आप उनका मेडिसिन का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और फिर आप मेडिसिन की पढ़ाई कर पाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादातर 11 साल लग जाते हैं तकरीबन करते करते, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कैटेगरी टू की बात करी, जैसे चाइना है, लोग फिलीपींस जाते हैं, या फिर बोस्निया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया, कई सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर जाने के लिए पहले आपको नीट का एग्ज़ाम तो आपको कंपल्सरी क्लियर करके यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। पर वापस जब आप आएंगे तो आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है, पर अगले साल से उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम रिप्लेस कर रहा है, यानी नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको 2 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी करनी पड़ेगी, वो करने के बाद में ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। फीस की अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी वन में तकरीबन 50 लाख या उससे ऊपर प्रतिवर्ष हमारा लग जाता है पढ़ाई का, रहने का। और कैटेगरी टू की बात करें तो वहाँ पर हमारा 20 से 25 लाख प्रतिवर्ष का खर्चा है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। रीता मैम से एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछना चाहूंगी, कई बार बच्चों को बीच जैसे में लगता है कि ये गड़बड़ चॉइस हो गई। जी श्वेता, जब हम MBBS के बारे में बात करें और जब कोई भी बच्चा मेडिकल फील्ड में ही रहना पसंद करे तो पैरामेडिकल के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। नेशनल काउंसिल फॉर पैरामेडिकल एजुकेशन देता है पैरामेडिकल कोर्सेज का अप्रूवल। 12th के बच्चे के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम भी है, डिग्री प्रोग्राम भी है। नर्सिंग हो गई, फार्मेसी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गई, रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया या रेडियोग्राफर का हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गई, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी हो गई, मेडिकल इनके एंट्रेंस एग्जाम्स भी है, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस है, जिपमर पैरामेडिकल एंट्रेंस है, कंबाइंड डिफेंस मिलिट्री नर्सिंग है, तो आप ये सब एंट्रेंस भी लिखना चाहिए। थैंक यू प्रीता मैम एंड थैंक यू रत्ना मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हमारे देश में एक प्रथा है कि कोई भी बच्चा PCB ले लेता है तो सारी दुनिया सोचने लगती है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, तो भैया सही समय है उस प्रथा को बिल्कुल तोड़ने का, ठीक है। तो दो बातें बिल्कुल एकदम ज्ञान की पोटली बांध के रख लीजिए ये वाली। पहली बात कि PCB लेने के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, सिर्फ MBBS का रास्ता नहीं है, मेडिकल में ही अलाइड सर्विसेज का भी रास्ता है जैसे प्रीता मैम ने बताया, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक्स, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सब क्षेत्रों में रास्ते खुलते हैं, ठीक है। एजुकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे क्षेत्र हैं, रिसर्च बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरी बात, ये अपने 10th के बोर्ड के मार्क्स पे ये कतई डिसाइड ना करें कि आप इस करियर के लिए बने हैं। आप उस करियर के लिए बने हैं और वो करियर आपके लिए बना है, ये दोनों चीजें डिसाइड करने के लिए प्लीज अपने करियर काउंसलर्स की मदद लें, दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट।